उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से सरकार बेटियों की देखभाल को प्रोत्साहित करेगी। योजना के तहत पहली दो बेटियों के जन्म पर सरकार मां और बेटी को विशेष किट देगी। कार्यक्रम का आयोजन चिंता दर्शन हॉल में किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर आज महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जनता दर्शन हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ करेंगे। ये बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम। बेटियों की देखभाल को प्रोत्साहित करेगी सरकार। पहली दो बेटियों के जन्म पर मां और बेटियों को सरकार की तरफ से ये राहत के तौर पर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सरकार बेटियों को विशेष किट देने जा रही है। और सद जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से रामानुज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रामानुज, आज बेटियों को बड़ी सौगात देने जा रही है उत्तराखंड सरकार, महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ आज करने वाले हैं सीएम, क्या कुछ अपडेट? 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास के जनता दर्शन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी के साथ में कई जो विभागीय अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। दरअसल महालक्ष्मी योजना की जो ये शुरुआत हो रही है, अब उन खास तौर से महिलाओं के लिए, नवजात शिशुओं के लिए ये काफी बड़ी राहत की योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जिन्हें सरकार ने इस तरह की स्टडी करने के बाद इस योजना को तैयार किया है कि खाद्य पदार्थों को सही तरीके से सप्लाई हो ताकि वो कुपोषण का शिकार ना हो सके, नवजात शिशु का पूरी तरह से विकास हो, उसको लेकर के इस योजना को शुरू किया जा रहा। आज फिलहाल नवजात शिशु के साथ में प्रसव के बाद महिला को जो है ये किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें खाद्य पदार्थों के साथ में कई अन्य सामान भी है, जिससे अब नवजात शिशु का बेहतर तरीके से पालन पोषण हो सके और विकास हो सके, स्वास्थ्य विकास की ध्यान में रख करके इस योजना को शुरू किया जा रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि हाल के दिनों में सरकार ने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी कि पूरे प्रदेश में ऐसे कितने कुपोषित बच्चे हैं, उनको किस तरह से बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकता है, उस दिशा में ये काफी बड़ी और राहत की योजना शुरू होने जा रही है। 11:30 बजे इस योजना का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुरुआत करेंगे। और चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी पर्वतीय जो क्षेत्र है उत्तराखंड के, खासतौर से जो रिमोट एरिया है, चाहे वो उत्तरकाशी है या पिथौरागढ़ चंपावत जैसे क्षेत्रों में, उन महिलाओं को, नवजात शिशुओं को इस योजना से जोड़ने का प्लान है। और सरकार का कहना है कि पूरे प्रदेश में सभी जगह जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम को आयोजित करके और विभागीय अधिकारियों के जरिए किट उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। तो इस योजना के तहत फिलहाल सरकार का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर है। तो आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल, जो पहली दो बेटी होंगी जब जन्म उनका होगा तो सरकार माँ और बेटी दोनों को विशेष किट देगी, जो कि आपने भी जानकारी दी। कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि यहाँ पर महिलाओं को किस तरह से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है। बिल्कुल, अब आपको ये भी बताएं कि इसके बैकग्राउंड को सरकार ने जब तैयार किया इस योजना का, तो प्रदेश में तकरीबन 18,000 ऐसे कुपोषित बच्चे तलाश में आए थे। आपने देखा था कि यहाँ चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों या मंत्री या अधिकारी, कुपोषित बच्चों को उन्होंने गोद लिया था। उसके बाद इस योजना को अब जमीनी स्तर पर लाने का प्लान तैयार हुआ और सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर है कि किस तरह से जो नवजात शिशु हैं या उनकी माँ है, उनको कैसे बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकता है। हाँ। तो आज उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। एक तरह से ये कहें कि प्रदेश की जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनको बहुत बड़ी सौगात फिलहाल प्रदेश सरकार देने जा रही है। ठीक है रामानुज।